गाइस अभी का टाइम पे एक न्यू अपडेट आया है कि आप आधार कार्ड से अपना फोन पे गूगल पे पेटीएम सब कुछ चला सकते हैं। तो लेकिन गाइस आज हम पहले आपको दिखाएंगे फोन पे कैसे आप चला सकते हैं विदाउट एटीएम कार्ड और बैंक के साथ, ठीक है गाइस। और आप अपना एटीएम कार्ड नहीं है फिर भी आप चला सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से। तो कैसे करता हूँ चलिए वीडियो में बन रही है और 100% काम करेगा ही करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका दोस्त के पास एटीएम कार्ड नहीं है, वो यूज नहीं कर पा रहा है, तो इस वीडियो को देखकर वो कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सिंपली आइए प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद इसको यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके आप डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है गाइस। वहाँ से कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएगा। तो गाइस क्या आपको बताऊँ, इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको पहला पैटर्न को दीजिए और इस पे इंटर कर लीजिए इस ऐप में, और यहाँ पे आपका जो नंबर है मोबाइल नंबर बैंक से लिंक है उस नंबर को यहाँ पे इंटर कीजिए और सेंड ओटीपी क्लिक करने का ओटीपी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है अलाउ। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कीजिए, और मेरा जो बैंक है ना पंजाब नेशनल बैंक, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जो सिम पंजाब बैंक से लिंक है उस सिम को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, तो 100% जेन्युइन गाइस कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक भी ऐड हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाएंगे अभी ऐसा आपको एरर आ रहा है कि एटीएम कार्ड मांग रहा है, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं लेने का, मैं हूँ ना आपका भाई, आपके लिए लेकर आया हूँ सॉल्यूशन। तो सिंपली आप जाइए प्ले स्टोर पे और यहाँ पे भीम जो यूपीआई ऐप है इसको आप इंस्टॉल कीजिए, पहले फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए इसको। फटाफट इसको इंस्टॉल करने के बाद भाई आपको इसको ओपन करना होगा सिंपली, और जो बैंक से लिंक है उस नंबर को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो सिंपली पहले कर लेता हूँ मैं इंग्लिश, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ आप इसको कर पाएंगे। तो इस यहाँ पे सिम को सिलेक्ट कर लीजिए, डिटेल में दिखा रहा हूँ गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, तो गाइज वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह के डांसू वाला वीडियो हम लाइक के रहता हूँ अपना चैनल पे। तो गाइज यहाँ पे आपको इंटर पासवर्ड दे देना है कि आपको एंटर करने के लिए आपको एक पासवर्ड मांगता है, उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर लीजिए सिंपली। उसके बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपका बैंक को चूज करना पड़ेगा। तो मेरा जो बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। तो गाइज पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे ढूंढ भी सकते हैं स्क्रॉल करके। तो सिंपली मैं सर्च करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया मेरा जो बैंक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइज, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो बाद में बोलोगे तो भाई नहीं होने वाले है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंड मनी पे क्लिक कर दीजिए सिंपली, और यहाँ पे आपको यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देंगे, ठीक है। यहाँ पे बैंक के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट यूपीआई पिन। तो गाइस यहाँ पे आप आधार के थ्रू करना चाहते हैं कि डेबिट कार्ड, तो सिंपली मैं आधार के थ्रू करना चाहता हूँ, आप देख लिया ना गाइस, आपको दिखा रहा हूँ ना। तो सिंपली आप कर लीजिए और यहाँ पे जो आपका आधार का पहला 6 डिजिट नंबर यहाँ पे एंटर कर लीजिए सिंपली। आपको एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। सिंपली करने के बाद यहाँ पे पहले आपको ओटीपी आएगा आधार का ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद अच्छे तरीके से एंटर कर लीजिए, अगर ऑटोमेटिकली हो जाता तो अच्छा है। उसके बाद बैंक को ओटीपी के जो बैंक का ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर लीजिए सिंपली। उसके बाद राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट यूपीआई पिन। तो गाइस यहाँ पे सेट यूपीआई पिन करने के लिए दे रहा है कि नहीं दे रहा है आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो गाइस और कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर आपका माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा।